जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एस बी जी चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूजी पीजी एडमिशन 2021 के बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के बारे में। दोस्तों, आज का ये टॉपिक होने वाला है हमारा, एडमिशन होने के बाद में कॉलेज चेंज कैसे करें या दोस्तों एडमिशन कैंसिल कैसे करें। आपने बीए बीकॉम बीएससी बीएलएलबी या आपने एमए एमकॉम एमएससी एलएलबी एलएलएम में अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है और फिर आप अब सोच रहे हैं एडमिशन कैंसिल करवाने का या आप सोच रहे हैं एडमिशन चेंज करवाने का यानी कि कॉलेज चेंज करवाने का, तो दोस्तों अभी कॉलेज चेंज तो दोस्तों ये एडमिशन चेंज या कॉलेज चेंज कैसे होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो अब इस टाइम पर एडमिशन चल रहे हैं वो चल रहे हैं सीएलसी थर्ड राउंड के, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से सुनना। देखिए दोस्तों, अगर आपने 21 अक्टूबर, ठीक है, अगर आपने 21 अक्टूबर से पहले पहले एडमिशन लिया है, ठीक है, अगर आपने 21 अक्टूबर से पहले पहले किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है या आप 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ये तारीख मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में अब इस टाइम पर सीएलसी थर्ड राउंड चलेगा। कब से कब तक? 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में सीएलसी थर्ड राउंड चलेगा। अगर आपने 21 अक्टूबर से पहले एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में या 21 से 30 अक्टूबर के बीच में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो फिर आपको अब क्या करना है। देखिए, अब आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा 21 अक्टूबर से पहले, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, मान के चलिए आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब आप चाहते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है, आपको इस कॉलेज में एडमिशन ना लेकर के आपको किसी दूसरे कॉलेज यानी कि बी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना होगा एडमिशन लेने के लिए, या दोस्तों आप चाहते हैं आपने जो एडमिशन लिया है एक कॉलेज में, ठीक है, आपने क्या किया है दोस्तों, आपने जो एडमिशन लिया है एक कॉलेज में, इसमें से आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं बी कॉलेज में, यानी कि आपको जो मनपसंद का कॉलेज नहीं है, अब आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो अब आपको दोस्तों एक कॉलेज से बी कॉलेज में जाने के लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, यानी कि कॉलेज चेंज कैसे होगा या आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं वो कैसे होगा, मैं आपको बताऊँगा पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप ए से बी में जाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिशन कैंसिल करवाना होगा, ठीक है, सबसे पहले आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। अब बात आती है तो दोस्तों, ए से बी कॉलेज में जाने के लिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ए से बी कॉलेज में जाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको अपना क्या करवाना पड़ेगा, अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, उस कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवाना होगा, तभी आपका बी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा आपका किसी भी कंडीशन में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एडमिशन कैंसिल कहाँ से होगा, एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए आपने जो कॉलेज में एडमिशन लिया है यानी कि एक कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है, तो इसी कॉलेज में जा करके हमको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए क्या करना है, हमने एक कॉलेज में एडमिशन लिया है तो एक कॉलेज में जाना है हमको, वहाँ पर जो भी प्रोफेसर, जो भी टीचर्स, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करना है, उनसे आपको बोलना है कि क्या बोलना है कि हमारा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हमने आपके कॉलेज में एडमिशन लिया है, हमारा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। तो वो क्या करेंगे ना दोस्तों, आपका एडमिशन यहाँ पर कर देंगे कैंसिल, और आपने जो भी यहाँ पर फीस सबमिट की है ना, वो फीस आपकी रिटर्न कर दी जाएगी। और जो आपकी फीस रिटर्न कब की जाएगी, लगभग 3 से 4 दिन में आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी, आपने जिस अकाउंट से पे किया था उसी अकाउंट में रिटर्न हो जाएगी आपकी फीस, ठीक है। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर रिटर्न कर दिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो जैसे ही हमारी फीस रिटर्न होती है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट वो रिटर्न हो जाते हैं, इसका मतलब है हमारा जो एडमिशन है, कैंसिलेशन प्रोसेस यानी कि एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप
कि अब जो आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में आपकी एडमिशन जो कैंसिलेशन प्रोसेस है ना दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है दोनों काम होने के बाद में, ठीक है। आपकी एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी एक बार के लिए फीस नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रोसेस कंप्लीट है। फीस आप एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट रिटर्न होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाते हैं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप कॉलेज दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो टॉपिक्स के ऊपर कवर करूँगा, एक तो एडमिशन कैंसिलेशन, ये मैंने आपको कैंसिलेशन की पूरी प्रोसेस बता दी है। अब कैंसिल होने के बाद में कॉलेज दूसरा कैसे मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया था अगर आप ए कॉलेज से बी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से कैंसिल करवाना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाते हैं, तो वैसे ही क्या होगा दोस्तों, आप बी कॉलेज में यानी कि दूसरे कॉलेज में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपको प्रेजेंट की स्थिति बता देता हूं। अगर आपने 21 अक्टूबर से पहले एडमिशन लिया है और अब आप उसको 21 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में कैंसिल करवाना चाहते हैं तो यहां पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और एडमिशन कैंसिल होने के बाद में आपको दूसरा कॉलेज भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है यहां पर कौन सा राउंड चल रहा है, CLC थर्ड राउंड चल रहा है जो कि 21 से 30 अक्टूबर के बीच में हमारे कॉलेज में चलने वाला है। तो आपने 21 अक्टूबर से पहले एडमिशन ले लिया है, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में आप एडमिशन लोगे, और फिर आपके मन में ऐसा आता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज से हमें एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो कैंसिल करवा लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आप बी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब बी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर CLC थर्ड राउंड चल रहा है। अगर आप CLC थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक राउंड और आएगा जिसका नाम रखा जाएगा CLC फोर्थ राउंड, लेकिन इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं कॉलेजेस में। और जो CLC फोर्थ राउंड आएगा समथिंग 5-6-10 नवंबर के बीच में आएगा और लगभग 15-20 नवंबर के बीच में आपका चलने वाला है। तो अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं और तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ से हो जाएगा, लेकिन दोस्तों कैंसिल करवाने के बाद अगर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर एडमिशन की डेट मैंने आपको बता दी है, तो तारीख में आप अपना एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों एडमिशन कैंसिलेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। अगर दोस्तों आपको एडमिशन कैंसिलेशन या कॉलेज चेंज होने की प्रोसेस अगर आपको पसंद आई है, अगर आपका इस प्रोसेस के तहत एडमिशन कैंसिल या प्रोसेस के तहत कॉलेज चेंज हो जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करें, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।